हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए, जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए, उनकी आधी सेना तो मेरे पांव के नीचे कुचल जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ कि आज सूर्यास्त होने से पहले उस वनवासी राजकुमारों के मस्तक लंका की गली कूचों में से गेंद की भांति पैरों से लुढ़काता हुआ लेकर आऊंगा, ताकि जिनके प्यारे संबंधी इस युद्ध में मारे गए हैं वह भी आकर उसे एक एक ठोकर मार सके। बाजे कान के पास बजाओ। बाजे कान के पास ले जाकर जोर से बजाओ।
जोर से। और जोर से। बाजे वाले हट जाए, भाले और खड़ग इनके शरीर में चुभाए जाए। कोई असर नहीं। पेड़ और पत्थर लेकर आओ। कतार मारो, भाले मारो, अरे नगाड़े जोर से बजाओ। इनको उठाने का प्रयत्न करो, जोर से और जोर से। ठंडा पानी इनके शरीर पर डालो। कोई असर नहीं। हाथी की चिंगार से जगाओ। Thank you.
मैं तो थक गया हूं, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। भाई भूख, महाराज कुंभकर्ण के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए, अवश्य उसकी सुगंध से महाराज उठ जाएंगे। विरूपाक्ष, समय से पहले हमें जगाने का साहस तुमने कैसे किया?
लंकाधिपति रावण कुशल से तो हैं। जी छोटे राजा, महाराज रावण सकुशल अपने महल में विराजमान है। तो फिर क्या है, लंका पर तो कोई विपत्ति नहीं आई? जी, अभी तक तो लंका पूरी तरह सुरक्षित है, परंतु अब उसकी सुरक्षा संकट में है। चारों ओर से सुग्रीव की वानर सेना ने घेर लिया है। वानर सेना ने घेर लिया है, परंतु वानर राज वाली के साथ तो हमारी संधि थी। वाली मारा जा चुका है, उसका छोटा भाई सुग्रीव वानर देश से सिंहासनारूढ़ है, और अयोध्या के बनवासी राजा राम की सहायता के लिए उसने अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई कर दी है। वानरों ने लंका की राजधानी को घेर रखा है। परंतु क्यों, अयोध्या के राम को लंका से क्या चाहिए? अपनी पत्नी। अपनी पत्नी अर्थात? लंकेश्वर उनकी पत्नी सीता को हर लाए हैं। सीता को हर लाए? साक्षात जगदम्बा को हर लाए? ऐसी दुर्बुद्धि उनके मन में कैसे उत्पन्न हुई, किसी ने उन्हें समझाया नहीं? जी, आपके छोटे भाई विभीषण ने भरे दरबार में उन्हें यह बात समझाने का साहस किया था, तो महाराज रावण ने उन्हें लात मारकर राज्य से निकाल दिया। हैं? क्या शत्रु बहुत शक्तिशाली है? आज रणभूमि में राम ने न केवल लंकेश्वर का उपहास किया, बल्कि उनका घोर अपमान भी किया है। निशस्त्र करके उन्हें यह कह के छोड़ दिया कि जाओ, अभी थक गए होंगे। मैं थके हुए निहत्ते शत्रु पर वार नहीं करता। महाराज रावण अपने भवन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वाह, कुंभकर्ण जाग उठा। जी हाँ महाराज, श्रीमान कुंभकर्ण नगर से होते हुए आपके दर्शन के लिए पधार रहे हैं। श्रीमान कुंभकर्ण को देखकर नगर में उत्साह की लहर फैल गई है। अब तो चारों ओर उत्साह ही उत्साह दिखाई देगा। हम विलास भवन की छत पर जाते हैं, वीरवर कुंभकर्ण से वहीं मिलेंगे। दीर्घायु भव। महाराज, मुझे जो विरूपाक्ष ने सुनाया है, क्या वह सत्य है कि इस समय वानर सेना ने लंका के गिर्द घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं? हाँ तात, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसीलिए तुम्हें असमय में ही जगाया गया है, क्योंकि हम सब की आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख प्रमुख योद्धाओं को मार डाला है। जब तक समुद्र पार के दूसरे स्थानों से और राक्षस योद्धा सहायता के लिए नहीं आ जाते, तब तक इस बची खुची सेना से लंका की सुरक्षा करना बहुत कठिन दिखाई देता है। लंका का कोष भी खाली होने वाला है, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना आवश्यक हो गया है। इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके, तो इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था? इसलिए अभी तक हमने उसे युद्ध में नहीं भेजा है। आप स्वयं क्या रणभूमि में गए थे? हाँ, जब प्रहस्त और मकराक्ष भी मारे गए, तब हमने सोच लिया कि शत्रु ऐसे योद्धाओं से वश में आने वाला नहीं है। युद्ध लंबा होता जाएगा और लंका निवासियों का मनोबल दिन प्रतिदिन मंद होता जाएगा, इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि हम स्वयं जाकर एक ही बार में शत्रु का समूल नाश कर दे। परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं निकला जितना हमने समझा था। उसने हमारे समस्त अस्त्रों को काट कर हमें निहत्था कर दिया, और सबसे बड़ी चोट तो उसने में तब पहुंचाई जब उसने उस अवस्था में हमारा वध नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारी वीरता को दाग नहीं लगता, परंतु उसने हमें अपमानित करके वापस भेज दिया है। आज सारा संसार हम पर हंसता होगा, यहाँ तक कि सीता भी हमारा उपहास करेगी। अब हम कौन से गौरव के अहंकार को लेकर उसके सामने जाएंगे? कुंभकर्ण मेरे भाई, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाकर
उन वानरों और मानवों का भक्षण करना आवश्यक हो गया है। आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह गया, उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्रीमान नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। भैया, शायद आप ये भूल गए हैं कि श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्रीमान नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे, तब वह उसी न रूप में आपका विनाश करेंगे। वो बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। भैया, ब्रह्मा की बात भी भूल गए, फिर भी आप महारानी सीता का हरण कर लाए जो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था। हमारे भाई के वध का प्रतिशोध क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? था तो उस कार्य को वीरों की भांति करते। चोरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है? सूरपनखा मेरी भी तो बहन थी। आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए उचित ही नहीं, यह आवश्यक भी है कि वो हर महत्वपूर्ण कार्य अपने परम विद्वान और सच्चे हितैषी मंत्रियों के परामर्श से ही करे। राजा को चापलूसों और ऐसे स्वार्थी मंत्रियों की बातों में नहीं फंसना चाहिए जो अपना निजी हित और अर्थ स्वार्थ के लिए राजा के साथ अपने देश को भी शत्रु के हाथों बेच सकते हैं। ऐसे ही मंत्रियों के लिए शास्त्र कहता है कि विनाश यंतो भर्तारम संहिताहा शत्रुभिर्बुधैहि विपरीतानि कृत्यानि कार्यन्ति हि मंत्रिणः तान भर्ता मित्र संकाशान अमित्रान मंत्र निर्णय व्यवहारेण जानियात सचिवानु उपसंहितान। कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ भैया कि आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है कि पुरुष को धर्म अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहां उन दोनों की उपेक्षा करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है आपने। इसी का यह फल है जो आज सारे लंकावासी भोग रहे हैं। एक गुरु या आचार्य की भांति हमें उपदेश सुनाना है तो जाओ, जाकर फिर से सो जाओ। हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है संकट का। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार में हमने किसी का परामर्श नहीं सुना।
इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। निश्चय कर लो कि तुम्हारा अपनी जाति के प्रति, अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं। तुम हमें शास्त्र सुना रहे थे। अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है कि यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वह अपराधी भी हो, तब उस संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा रहे, सहायता करे, शिक्षा न दे। सहसुहृदयो विपन्नार्थम दीनमभ्युपपद्यते, सबन्धुर्यो अपनितेषु सहायायोपकल्पते। सोच लो, रावण के कारण ही सही, परंतु रावण के साथ राक्षस जाति का विनाश हो जाए, यह तुम्हें स्वीकार है या नहीं? तर्क का समय नहीं है। यदि मन में कोई संशय है, यदि कर्तव्य का पथ साफ दिखाई नहीं देता, तो युद्ध में जाने से कोई लाभ नहीं। जाओ, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन निभाना और शान के साथ जीना और मरना दोनों आते हैं। जाओ। भैया, आपने मुझे ठीक प्रकार से समझा नहीं। मैंने जो कहा वह एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा, वो मेरा अधिकार भी था और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है उसके बारे में न मेरे मन में कोई शंका है, न मेरे पथ पे कोई अंधकार। मैं तो छोटा भाई हूं और छोटे भाई का एक ही धर्म है, जब तक वो जीवित है और स्वस्थ है तब तक बड़े भाई को कोई भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके जीते जी यदि बड़े भाई को चिंता रहे या वो संकट में आ जाए तो छोटे भाई पर धिक्कार है। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी है। कुंभकर्ण, हमें तुम पर गर्व है, तुम राक्षस जाति की नाक हो। भैया, अब आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आज सूर्यास्त होने से पहले उस वनवासी राजकुमारों के मस्तक लंका की गली कूचों में से गेंद की भांति पैरों से लुढ़काता हुआ लेकर आऊंगा, ताकि जिनके प्यारे संबंधी इस युद्ध में मारे गए हैं वह भी आकर उसे एक एक ठोकर मार सके। यदि मैं जीवित रहा तो आज रात को लंका में विजय का उत्सव होगा। परंतु क्या? परंतु भैया, सबकी बात सच निकली और वो सचमुच भगवान है तो भी मैं पीठ नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा, यह मेरा वचन है। मृत्यु की बात ही मन में क्यों लाते हो कुंभकर्ण? तुम अवश्य विजयी होगे। हम सेना नायक को आदेश देते हैं कि तुम्हारे साथ जाने के लिए चतुरंगी सेना तैयार की जाए। नहीं भैया, मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। रणभूमि में मैं अकेला ही जाऊंगा। मेरे हाथ में केवल शिव का त्रिशूल होगा, उनकी आधी सेना तो मेरे पांव के नीचे कुचल जाएगी। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। भैया, एक प्रार्थना करूं? कहो। यदि मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना फिर उन्हें कोई नहीं जीत सकता। तब श्री राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाइएगा, जिससे हमारा कुल समूल नष्ट होने से बच जाए और आपका राज अकंटक हो जाए।
प्राणी जब अपने कुटुंबी जनों के साथ बैठकर ऐश्वर्य भोगता है तभी वह प्रसन्न और संतुष्ट हो जाता है। यदि तुम जैसे भाई नहीं रहे तो तीनों लोकों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का? भाई भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवाकर कैसे ऐश्वर्य भोग सकेगा रावण? जाओ कुंभकर्ण, मृत्यु की बात मत करो, युद्ध की बात करो, युद्ध में विजय की बात करो, जाओ। भैया मुझे आशीर्वाद दीजिए। रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है? नहीं, ये रावण नहीं। तो कौन है? कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई, मेरा अग्रज। तो क्या इतना विशाल शरीर इसे वरदान में मिला था? नहीं, ये जन्म से ही ऐसा है। बाल्यकाल से ही इसके शरीर में अतुल बल था। ये एक दिन में इतना भोजन खा जाता था जितना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी को चिंता थी कि यह अगर जीवित रहेगा तो सारे संसार का अन्न समाप्त कर देगा। फिर हम तीनों ने मिलकर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ने तीनों से वर मांगने के लिए कहा तब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे। इंद्रादि देवता भयभीत हो गए और उन्होंने माता सरस्वती की सहायता मांगी। माता मेरी रक्षा करो, कुंभकर्ण घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। आप उसकी जीवा पर वास करके उसे इंद्रासन के बदले निद्रासन बुलवाने की कृपा करें। वर मांगते समय देवी सरस्वती उनकी जीवा पर बैठ गई।
जब ब्रह्मा जी ने पूछा तब उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वर मांग लिया। पितामह, मुझे निद्रासन चाहिए। तथास्तु। वत्स कुंभकर्ण, अब तुम जीवन भर निद्रा के आसन पर सोते रहोगे। नहीं पितामह, नहीं नहीं पितामह। हे देव, आपने इसे जीवन तो दिया परंतु यह आशीर्वाद देकर इसका जीवन मृत्यु समान कर दिया। जीवन भर निद्रा में रहेगा तो संसार को क्या देखेगा, क्या भोगेगा, ऐसे जीवन का क्या अर्थ। पितामह, जिसे स्वयं जीवन दिया उससे यह अन्याय न करे। ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होगा। फिर भी दशानन, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से द्रवित होकर हम कुंभकर्ण को केवल एक दिन जागने का अवसर प्रदान करते हैं। 6 मास तक गहरी निद्रा में लीन रहेगा। केवल एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। तो क्या इसके 6 मास आज ही समाप्त हुए? नहीं, अभी 6 मास समाप्त नहीं हुए। रावण ने आपत्तिकाल जानकर इसे बलपूर्वक जगा दिया है। मेरे गुप्तचरों का कहना है कि इसने जागने के पश्चात रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि अब भी वो माता सीता को लेकर आपकी शरण में आ जाए, परंतु रावण ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहता और इसे युद्ध में भेज दिया है, क्योंकि कुंभकर्ण एक ही दिन में सारी वानर सेना को खाकर समाप्त कर सकता है। तब तो अति शीघ्र इस दैत्य को समाप्त कर देना चाहिए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, इसके लिए हमें स्वयं जाना होगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं प्रभु। नहीं महाराज विभीषण, हमने आपको लंका के राज सिंहासन पर बिठाने का वचन दिया है, आपके जीवन को संकट में नहीं डालेंगे। हम यह भी नहीं चाहते कि भाई के हाथों भाई का वध हो। कुंभकर्ण से हम स्वयं युद्ध करेंगे। मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा, मैं तो अपने कुंभकर्ण भैया को समझाना चाहता हूं कि वो अधर्म का साथ छोड़कर आपकी शरण में आ जाएं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। प्रभो, महाराज विभीषण का विचार उचित है। यदि हम कुंभकर्ण को अपनी ओर मिला लें तो रावण की तो कमर ही टूट जाएगी, फिर उसके पास मेघनाथ के अतिरिक्त और कोई महारथी नहीं रहेगा। यदि ऐसा हो सके तो शायद विनाश रुक जाए। जाइए। धर्मज्ञ विभीषण चाहे निज भाई को समझाए, है कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी, संभव है कि मान भी जाए। एक अभिमानी की करनी हमें आज कहां ले आई, बैरी की भांति खड़े हैं भाई के सन्मुख भाई, होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटा, लिखे को कौन मिटाए। ओम
तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा दे ही चुके हैं। मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं, मैं कभी अधर्म के मार्ग पर न जाऊं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है, वो हर स्थान हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं, जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने भाई, कुल और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करना अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा, मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरे मारकर अपमानित करके त्याग दिया है। मैं उनके और उनके कुल के हित की ही बात समझा रहा था कि परदारा हरण हमारा काम नहीं, इसलिए श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने कुल और अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष है? विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इसकी पराजय का कारण तू होगा, तू। नहीं, मैं उनकी पराजय की नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सन्मार्ग और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर आया था। मैं इस समय यह प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूं। भैया, लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए, वो राज्य मैं आपको समर्पण करता हूं। परंतु आप इस संहार को रोकिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा, और इसका कारण है महाराज रावण का दुराचरण। आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं है भैया, बोलिए। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। तो फिर हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो संभव है वो स्वयं ही सीधी राह पर आ जाएं। भैया, इस समय यही आपका धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है उससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण।
भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा? अरे दृश्य तो वह होगा कि जहां रावण का मृत शरीर होगा उसके चारों ओर उसके भाइयों उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जाओ विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। अब सामना खर और दूषण से नहीं, त्रिशिरा और वाली से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठाता। कुंभकर्ण इस पात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर तलवार गदा और भाले टूट टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है तो आज कुंभकर्ण भी राम का सिर ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का पण ठान कर आया है। जा जा मेरे भाई, तू निहत्ता मेरे सामने मत खड़ा रहे, मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, अपने आपे में नहीं हूं अब मैं। इस समय मौत मेरे सिर पर तांडव मचा रही है, मरने मारने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा। जा चला जा अपने स्वामी की ओर से, तू युद्ध कर, अपने राजा अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। जा जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा। जा चला जा विभीषण, चला जा। जा चला जा विभीषण, चला जा। विभीषण मेरे भाई, यदि हम सबका मरण निर्धारित है तो विश्रवा वंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्रोक्त रीति से करके अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। भाई से बिछड़ता है भाई, कोई इससे बड़ा आघात नहीं, पर धर्म पे प्राण निछावर हो ये कम सौभाग्य की बात नहीं। रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, किस तीर पे किसका नाम लिखा ये बात किसी को ज्ञात। महाराज विभीषण क्या हुआ? कुंभकर्ण नहीं माने, उन्हें अपने कुल की आन पर बहुत गर्व है।
परम बलशाली दिखाई देते हो वानर, कौन हो तुम? राजा सुग्रीव या उसका पुत्र, या वही हो जिसने हमारे लंका नगर को आग लगाई थी? इन तीनों में से कौन हो तुम? मेरे हाथों मरने से पहले अपना और अपने पिता का नाम बता दो। मेरे पिता का नाम सुनोगे तो यह अहंकार से उठा हुआ मस्तक लज्जा से झुक जाएगा। जिस महाराज बाली ने तुम्हारे बड़े भाई महापराक्रमी रावण को कई दिनों अपनी पूंछ में बांध रखा था, मैं उसी महाबली का पुत्र अंगद हूँ। वही अंगद जिसे अपने पिता के हत्यारे की सेविकाएं करते लज्जा नहीं आती? अपने पिता का नाम तुमने बहुत उजागर किया है। जब तक जियोगे संसार निंदा करता रहेगा। मैं तुम्हें मारकर आज उस निंदा से मुक्ति दिलाऊंगा। दो योद्धाओं के बीच आने वाले तुम कौन हो? ये वानर साम्राज्य के युवराज अंगद हैं। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम राजा सुग्रीव हो? नहीं, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान, तो तुम ही हो लंका का संहार करने वाले। आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का पारितोषक तुम्हें देगा। पारितोषिक तो तब दोगे जब मेरे हाथों जीवित बचोगे। कुंभकर्ण, आज इस पर्वत के नीचे तुम्हारी समाधि बनेगी। मैं तुम्हें इसका भी अवसर देता हूँ। अपने मन की इच्छा पूरी कर लो हनुमान, और मैं वचन देता हूँ कि यदि मैं इस शिला के आघात से तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी हार मानकर नगर में वापस चला जाऊंगा। फिर कभी युद्ध भूमि में नहीं आऊंगा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। Yeah.
हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ देते हैं। अब यदि और कोई इच्छा बाकी न रह गई हो तो जाओ, जाओ जाकर अपने स्वामी राम लक्ष्मण से कहो कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, मैदान में आए। भैया, ये ललकार मुझसे सही नहीं जाती, अब मुझे आज्ञा दीजिए, यह हमारी सारी सेना का नाश कर देगा। जाओ लक्ष्मण। इन बेचारों पर क्यों शक्ति दिखा रहे हो? इधर लक्ष्मण के सामने आओ। लक्ष्मण, अकेले ही आए हो? यदि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं मरना चाहते तो ऐसा ही सही। व्यर्थ में गाल बजाने से क्या लाभ कुंभकर्ण? तुमने ललकारा था, मैं आ गया हूं, अब वीरता से युद्ध करो। अवश्य अवश्य, रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध होगा यह देखने के लिए आकाश में देवतागण खड़े हैं। लक्ष्मण, हमारी बहन सुर्पनखा निरपराध थी, तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा, तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे, आज तुमने काटा है, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु अब इस अस्त्र को नहीं तोड़ पाओगे। तो लो अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। सुग्रीव, तेरा काल। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानर राज, तुम्हें ले जाकर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। चलो। प्रभु, कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव को लंका ले गया तो समस्त वानर सेना अपने राजा के बिना हताश हो जाएगी। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्रीव के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था कि उसे सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय लोग फड़क उठे और तुम
उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। इसका निर्णय तो उसी समय हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो यह लो। तीर गदा और फरसा कभु चलावत भिंदी पाल, कभु चलावत भिंदी पाल, मुसल मारे परित कभी छोड़े फेंके पाथर पेड़ उछाल, फेंके पाथर पेड़ उछाल, तस्से मस नहीं होए महाभट, तस्से मस नहीं होए महाभट, जैसे कोई गिरिराज विशाल, कुंभकरण शिव जी के सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल, खट 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 बजे और तीखे तीरन की बौछार, तीरन की बौछार, देव महारन देख रहे अरु देवन भेंट किए हथियार, देवन भेंट किए हथियार, एक से एक महाबली जोधा, एक से एक महाबली जोधा, कहु न कहु से मानत हार, जब तक चाहे खेल करे जब चाहे राम करे संहार, जब तक चाहे खेल करे जब चाहे राम करे संहार, कर ले कर वायव्य रमापति शस्त्र चलावनहारो, शीश समुद्र में जाए गिरो, जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो, पापी को साथ दियो एही कारण, मारो गयो निर्दोष बेचार। राम जन तन मन राम सुगंध, तदपि रुलावे रक्त का अविच्छिन्न संबंध।